स्वागत है। आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज अंतानी जी। मनोज अंतानी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद SM न्यूज़ का, जो बहुजनों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहा है। और जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी बहुजन आंदोलन होते हैं, वहाँ आप अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, कंटिन्यू EVM के खिलाफ में प्रदर्शन चल रहे हैं और छोटी छोटी पार्टियाँ बहुत सारे आंदोलन कर रही है, अगर इस तरीके के बड़े आंदोलन होने लगे तो किस तरीके से देश में परिवर्तन आ पाएगा और EVM से चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आगामी क्या लगता है? सुरेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि EVM के खिलाफ ना तो छोटी और ना बड़ी कोई पार्टी सड़क पर नहीं है, सिर्फ समाज सेवी लोग सड़क पर हैं, जिनको लगता है कि वर्तमान सरकार में उनके अधिकार, उनके हित जो संवैधानिक रूप से दिए गए हैं, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं या उनका हनन हो पा रहा है। पार्टी के नाम पर एक भी पार्टी, आज अभी भी आप मंच पर देख रहे हैं, तमाम समाज सेवी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी लोग नहीं है। मतलब पार्टियां विरोध नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं इंगित होता है कि पार्टियों की जवाबदेही जनता की तरफ नहीं है, पार्टियों की जवाबदेही शासक की तरफ है। वो चाहते थे इस सरकार को लाना, इसलिए वो खामोश रहे और अभी भी खामोश है। जैसे आपने बताया बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन जो काम पार्टियों को करना चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टियों को करना चाहिए, वो पार्टियाँ नहीं कर रही हैं, बुद्धिजीवी लोग या छोटी पार्टियाँ कर रही हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जब कभी परिवर्तन आता है तो उसका मुद्दा होता है। बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे आने वाले कल को अंधेरे में ना धकेल दिया जाए। पार्टियां तो अपना पैसा कमा रही हैं, ये आप जानते हैं, जो पार्टियां कल क्षेत्रीय पार्टियां थी, आज वो राजनीतिक मंच के माध्यम से पूरे विश्व में अपने आप को घोषित कर चुकी हैं, वो अपना ब्राइट फ्यूचर कर चुकी हैं, लेकिन जो नेता थे वो करोड़पति अरबपति हैं, जो कर्मचारी थे वो आज भी सड़क पर हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी को ये दर्द है कि जो मेहनत हमने पार्टी के लिए की या जो वो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं आ पाया, तो कहीं ना कहीं आंदोलन तो बनता है और ये उनका संवैधानिक हक भी है। मनोज जी, आप सभी जगह जा जाकर पत्रकारिता करते हैं और आप बहुजन की आवाज़ों को बहुत मजबूती से उठाते हैं, लेकिन जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं वो अधिकतर बहुजन समाज के लोग ही करते हैं, उसके बावजूद भी ये सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं एकजुट और एक छत के नीचे नहीं आते, उसका क्या कारण है? देखिए, बहुजन समाज के लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो हक हैं या हमारे साथ देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। आप देखिएगा मॉब लिंचिंग, आप देखिएगा गाय, आप देखिए जितने भी मुद्दे हैं, तमाम सोशल मीडिया आवाज़ उठा रहा है और कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की स्थिति आ गई है। अगर ये बदलाव जल्दी हाल ही में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ देश जा रहा है। आप देखिए, बहुजन समाज ने जितने आंदोलन किए, मैं 2 अप्रैल की बात लेकर चलता हूँ, 2 अप्रैल को अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, लेकिन 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद जो बच्चे, जो बहुजन समाज के युवा जेल में गए हैं, कहीं ना कहीं उनको हताशा नजर आई है। हम सब्बीरपुर का केस लें, सहारनपुर का, तो मात्र बीमारी पिरुक के पीछे पूरा समाज लग गया, लेकिन जो बच्चे आज तक भी जेल में हैं, अभी एक बच्चा अभी भी जेल में है जिसको NSA वो भुगत रहा है, उसके लिए कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति, कोई भी बहुजन समाज का संगठन खड़ा नहीं है। तो बड़ी त्रासदी है हमारे समाज में, एक अकेले व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए पूरा समाज खड़ा है, लेकिन अगर उसको समान रूप से देखें, अगर NSA लगी है तो सभी बच्चों पर समान रूप से लगी है। यहाँ पर मैं उपकार बाबरा का भी नाम लेना चाहूँगा, उसका परिवार भी पिछले महीनों सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहा, क्योंकि उनको भी समाज से वो जो अपेक्षा थी वो नहीं हो पाई, लेकिन उनका बच्चा NSA जेल काट रहा था। तो उसी तरीके से अभी हमारे 2 बच्चे और जेल में हैं जो NSA काट रहे हैं, लेकिन समाज को उनके नाम तक नहीं पता। तो बहुत बड़ी विनम्रता है हमारे समाज की, ये वो समाज है जो आज तो यहाँ पर बातें कर रहा है लेकिन घर जाके सो जाएगा। ये जागृत तो है लेकिन जागृत नहीं है, शिक्षित समाज है, साक्षर समाज नहीं है। क्या देखते हैं, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है या परिवर्तन कुछ हो पाएगा देश के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता। पार्टी का आप हर से देख चुके हैं, एकमात्र बहुजन समाज की जो पार्टी है वो कितनी सीट लाई है, लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कह देना चाहूँगा कि जो सीट हमारी राष्ट्रीय पार्टी लाई है वो 3 या 4 लोगों के दल से मिलकर आई है, अगर वो दल नहीं मिलते तो शायद इतनी सीटें भी लाना संभव नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कितना भी काम करें, कितना भी परिवर्तन की बातें करें, मंच पर बड़े बड़े भाषण दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है ढाक के 3 पात ये जो समाज है हमारा वो कभी है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए बहुजन समाज को? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितने राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें अपनी पार्टियों को भंग करना पड़ेगा अगर एक छत के नीचे आना चाहते हैं तो। माननीय बहन जी ने पहले भी कहा है कि अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं बसपा के बैनर के नीचे करें, जिससे कि जो सामने वाला समाज है वो अपने आप को
ये लगे कि यार ये बसपा का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग अपने बैनर लेकर चल रहे हैं, अपनी नई नई राष्ट्रीय पार्टी बना रहे हैं। जब हम अपनी ही पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, हमने खुद की अपनी हज़ारों पार्टियाँ बना ली हैं, तो हमारी पार्टी का तो ये हश्र होना था। इसमें मैं माननीय बहन जी के जो लोग हैं जिनको उन्होंने मनोनीत किया हुआ है इस काम के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, मैं उनकी भी गलती यहाँ पर मानूंगा कि चुनाव में वो हश्र आप देख चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से समाज में जाके कोऑर्डिनेट किया, किस तरीके से समाज सेवियों से, किस तरीके से जो हमारे और भी संगठन हैं उनसे कोऑर्डिनेट किया, तो उसका फल आपको दिख रहा है। इसीलिए माननीय बहन जी ने पार्टी के अंदर जो तब्दीली की है वो कहीं ना कहीं कुछ सोच कर की है। हमारे चैनल से आपने बात करी मनोज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद एस एम न्यूज़ का भी, यहाँ पर मैं एस एम न्यूज़ का धन्यवाद इसलिए भी देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जन जन तक बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हैं और खासकर सुरेंद्र जी मालिक होते हुए चैनल का खुद सड़कों पर घूम रहे हैं, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।